नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में विधायकों की पिटाई मामले में कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये केवल आई वॉश है। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। इसके बाद सत्र में शामिल होने की रणनीति पर वे महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। इसको लेकर राबड़ी देवी के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं विधानसभा में विधायकों की पिटाई पर हुई कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि केवल आई वॉश किया गया है। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाने का काम किया गया है। उसके बाद हम लोग फिर से निर्णय हम लोग लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो फिर क्या कुछ? फिर निर्णय लेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, हमारे पास बाकी एक ही ऑप्शन है। और एजेंडा क्या होगा तेजस्वी एस्पेक्ट को लेकर सरकार का ज्यादा? अरे भाई, हम तो देखिए, उस दिन भी सदन चाहते थे चलना, लेकिन सरकार को किस बात की आसर में जो काला कानून जो लाए थे कि बिना वारंट के उठा लेंगे, बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में कुछ भी कर लेंगे। तो भैया, समय सरकार चाहती असल में हड़बड़ी किस बात की थी, कौन सी बात की जिद थी? बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने हॉस्पिटल संचालक से 5 लाख रंगदारी की मांग की है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। बदमाशों के द्वारा 21 जुलाई और 25 जुलाई की सुबह फोन पर हॉस्पिटल के संचालक को धमकी दी गई। रंगदारी मांगने के बाद डॉक्टर ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन बदमाशों ने दोबारा फिर से रंगदारी की मांग कर दी। डॉक्टर से रंगदारी की मांग को लेकर IMA ने बैठक कर घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। 21 तारीख की शाम में, 21 जुलाई की शाम में हमारे मित्र कलीग डॉक्टर राजीव कुमार राय, जो IMA के सदस्य हैं और सुभाष चौक पर मायरा मिडलैंड हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको एक कॉल आया, धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कि 5 लाख रुपये का डिमांड किया गया है, नहीं 5 दिन के अंदर नहीं जमा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी सिलसिले में राजीव जी ने थाना में FIR किया है, लेकिन आज सुबह 25 जुलाई को 9 बजे फिर से उसी नंबर से कॉल आया है कि अगर नहीं जमा करोगे 5 लाख रुपया तो हम जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देते हुए अपना स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल का। स्विच ऑफ करने के बाद हम अपने घर में, परिवार में हड़कंप मच गई जब बताए तो। उसके बाद जो है सो 22 तारीख को हमने अपने में घर में बातें हुई और इसकी सूचना जो है सो टाउन थाना, नगर थाना को दिया गया, DIG ऑफिस दिया गया और SP सर को भी लेटर जो है सो दिया गया। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को जान मारने की नीयत से गोली मार दी, फिर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे PMCH पटना के लिए रेफर कर दिया गया। घटना बकड़ी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कौन सी लेकर विवाद हुआ था? दोनों बापू को ऐसे समझा रहा था, बोल रहा था, वही पर अपना दोनों बाप झट में अपना गोली चला दिया। क्या गोली चला दिया? मेरा भाई था। क्या नाम है? मीजा। जमीन के विवाद नहीं थे, मैंने गाड़ी घोड़ा लिया था। कौन गाड़ी? ट्रैक्टर। अच्छा, उसी के नाम से था, उसी के झंझट से वो बोला कि हमको नाम से है तो हमको है, तो पिताजी ये सब बात का छोड़ दिया था। अच्छा, वो मुसरनिया से ब्याह कर लिया ना, मुसरनिया की बात पर ये सब किया काम किया। उपेंद्र कुशवाहा के बिहार भ्रमण पर अब राजद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस जनता के समक्ष नीतीश कुमार का विरोध किया करते थे, आज उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार उसी जनता के समक्ष घूम घूम कर माफी मांगने और सफाई देने के लिए भेज भ्रमण करा रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राजद नेता विनोद श्रीवास्तव का पूर्वी चंपारण में भव्य स्वागत हुआ। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। बाबू जी को भी हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हमें जो संगठन की जवाबदेही दी गई है
हम पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में मजबूती से संगठन को पहले भी काम कर रहे थे और अभी और जो जवाबदेही मिली है वो करेंगे और बिहार में घूम घूम के राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए अपना पूरी तन मन लगाएंगे। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत सराय से है, जहां शीतल भकुरहर गांव में अपने बेटे का जन्मदिन मनाने ससुराल आए एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मृतक के ससुराल वालों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने बताया कि मामूली बात को लेकर हंगामा किया जा रहा था, जिसका उसके मायके वालों ने विरोध किया और बीच बचाव में युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहां गए तब वहां हम लोग गए, उसके बाद वहां से पूजा पाठ हुआ था, बर्थडे के काम हो रहा था, केक काटा 8 बजे रात के भोज स्टार्ट हुआ और उसका ससुर राजू था जो है हम लोग को बुलाने या दुकान पर थी। हम लोग वहाँ दूरा पर गए तो दूरा पर जाते ही पता चला कि करंट मार दिया, करंट मार दिया। किसको करंट जी? ये थे ना के चल के सोने चौक पर, अब करंट हमको लग गया ना तो कोई नीरज है ना सर फोन कर दिया। गया में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने स्वाभिमान दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश के नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद नेताओं ने एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी विस्तार पर चर्चा की। पत्रे राजपूत जो मारे गए थे और उसके बाद में जो हमारे भाई शेषी राणा जी ने उसका जो बदला लिया था, जो जिसमें उनका नाम आया था, तो आज इस गया की भूमि में, पवित्र भूमि में, उनकी लोगों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। गया में जदयू समाज सेनानी प्रकोष्ठ ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में समाज सुधारक का बीड़ा उठाने का संकल्प लिया गया। बैठक में प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारियों के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज सुधारक का बीड़ा उठाने का संकल्प लिया। महिला सशक्तिकरण की नीतीश सरकार में किस तरह काम हुआ है? महिलाओं का सशक्तिकरण में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो सबसे बड़ा कहा जाए कि स्कूल में जहां रेशियो होता था पुरुषों के बराबर, जो लड़के बालकों जाते थे पढ़ने के लिए उसके 50-50 के प्रतिशत के रूप में भी नहीं थी। देखिए, जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ रचनात्मक संकल्पों के साथ बिहार में काम कर रही है। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अनवरत संघर्ष करने का संकल्प इस प्रकोष्ठ ने लिया है। इस प्रकोष्ठ के साथियों ने नीतीश कुमार, समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के विचारों का संवाहक बनकर सुनामी एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो कई राजनीतिक पार्टी बिहार में, लेकिन आपकी पार्टी पहली बार मतवा देखने को मिल रही, इससे क्या मैसेज जाएगा? ये हम लोग के राजनीतिक पार्टी है नहीं, हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आरसीपी सर का है समाज सुधार सुनामी प्रकोष्ठ, पूरे जिला में जिला स्तर से हम लोग स्टार्ट किया। पहला ज्ञान भूमि मोच भूमि गया से स्टार्ट किया है। ये अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले केंद्रीय मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि आरसीपी सिंह ने समाज के नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को अपमानित किया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। स्टेशन गुरुद्वारा रोड स्टेशन परिसर में आरसीपी सिंह के विरोध में पुतला का दहन किया गया। हमारे माननीय नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को जो दिल्ली में अपमान किए आरसीपी सिंह, उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। इससे भी बड़ा प्रदर्शन उनके विरोध में किया जाएगा। बिहार के बढ़िया स्टेशन पर जनाक्रोश प्रदर्शन के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस रूट से गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया है। ईसीआर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दानापुर मंडल के बढ़िया स्टेशन से गुजरने वाली एक ट्रेन को रद्द किया गया है, जबकि 1.5 दर्जन गाड़ियों का रूट चेंज कर दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। रविवार की सुबह से ही स्थानीय ग्रामीण रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित कंट्रोल पैनल में ताला जड़कर ट्रेनों की आवाजाही को भी बाधित किया गया। कर रहा था जी। उसी दरमियान कुछ लोग 4-5 लोग ऊपर गए और बोले कि आप ऑपरेशन बंद करिए, सारे सिग्नल को रेड करिए, जो गाड़ी का परिचालन नहीं होगा, और ताला लगाइए पैनल में। तो उनके कहे के अनुसार मैं अभी कितने ट्रेन आगे पीछे बाधित हो सकते हैं अभी एक ट्रेन तो रामपुर डुमरा छोड़ दिया है ये होम सिग्नल पे।
खबर मुंगेर से है, जहां दिन दहाड़े एक युवक को अपराधी गोली मारकर फरार हो गया। घटना मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर फरार हो गया। युवक को राहगीर की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इस संबंध में नया रामनगर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है और अपराधी की छानबीन की जा रही है। पूरा स्कूल और तेरिया कला के बीच में एक पेशकार साहब का जमीन है, वहीं पे ये एक एम्बुलेंस को हाथ दे रहा था, ठीक है, तो एम्बुलेंस नहीं रुका, हम जा रहे थे घर, इसका फिर हमको ब्लड पर नजर आ गया, तो हम सोचे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर गया, नहीं तो हम हिम्मत करके बाइक को घुमाए, इसके पास गए, जब इसके पास गए तो ये बोला कि भैया हमको गोली मार दिया। तो तब प्रथम हम सबसे पहले सूचना कासिम बाजार थाना का मेरे पास नंबर था, हम उसको सूचना दिए। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।